बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तासीर, वेलकम टू मे चैनल तासीर हंटिंग। अच्छा, तो आज एक स्लिंग शॉट का रिव्यू है जिसका नाम है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की ये स्लिंग शॉट है ब्लैक रॉप में। तो ये इसका बॉक्स है, चेक करते हैं जी। ये भी स्टॉक में अवेलेबल है, तो इसका रिव्यू करते हैं और अभी इसको खोलते हैं। ये इसका जी पैकेजिंग है इसकी, ये देख रहे आप, ये पैकेजिंग है इसकी, बिल्कुल ये देखें ये वाली। ठीक है, तो इस बॉक्स में ये पैक है। ओके, चलो देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो ये जी इसमें गुलेल है, इसके रबड़ है, एक दो तीन चार, चार रबड़ है जी बॉक्स में। ये देखें जी, चार बॉक्स में रबड़ अवेलेबल है। वन टू, ये देखें जी आप, ये जी है इसमें रबड़ 0.7 का है, ये 1 mm का रबड़ है, नहीं है 1 का नहीं है, 0.9 का है। ठीक है, और ये 0.65 के दोनों। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, ये चार रबड़ है जी इसके साथ, ये देखें। ओके, ये इसको ये निकला है। इसके अलावा जी इसमें ये स्टील एमोज हैं, ये 50 बॉल्स हैं जी, ये 6.37 mm की गोलियाँ हैं जी। तो ये भी इस पैकेज में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जी स्लिंग शॉट है, ये देखें जी, इसको मेन चीज़ जो है वो यही है। इसको देखते हैं जी, अभी इसमें देखते हैं इसकी क्या एक्सेसरीज हैं इसमें, और इसके अलावा इसको ओपन करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और इसके इंस्टॉलमेंट का मैं तरीका आपको मुकम्मल बताता हूँ। तो ये स्लिंग शॉट है, बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी ही खूबसूरत है ये। ठीक है, इसमें ये मर्सिडीज़ का ये इसमें है लोगो लगा हुआ है, और इसके अलावा ये और ये, ठीक है, दो ये ब्लैक रोप है इसमें, ये ब्लैक रोप लगी हुई है इसमें, और साथ में ये एंड इसमें हो रही है। ठीक है, ताकि जैसे पकड़ने के लिए ऐसे। ओके, और इसके अलावा ये इसकी कंस्ट्रक्शन हैं दोनों, बिल्कुल जी ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, और ये मुकम्मल जो है ना, इसकी बॉडी जो है मुकम्मल इसमें एलुमिनियम है। ठीक है, मेटल इसकी एलुमिनियम है, और इसकी एक्सेसरीज देखते हैं बाकी। ये इसकी बॉडी होगी, इसकी एक्सेसरीज इसके डब्बे में पैक होगी। ठीक है, ये देखें जी, ये इसकी एक्सेसरीज हैं जिसमें इसका लेज़र और इसका लेवल है। ठीक है, तो इसको देखते हैं जी, ओपन करते हैं क्या क्या निकलता है जी इसमें। ये जी इसकी मुकम्मल एक्सेसरीज इसके बाहर आ गई हैं जी, देखें जी अभी अभी ये इसका लेवल है, ये इसका लेवल है ये वाला, और इसके अलावा ये लेज़र है, और ये लेज़र को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये चीज़ है। ठीक है, उसके ऊपर बांधने के लिए। ठीक है, ये देखें जी, ये चलती है लेज़र, ये ज़बरदस्त चीज़ है ये देखें। ठीक है, नाइट हंटिंग के लिए बेस्ट है। अब इसको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ये इसका क्या मुकम्मल तरीकाकार है। और इसमें रबड़ लगाते हैं हम लोग, ये येलो कलर का लगाते हैं। ठीक है, ये लग बांधते हैं, बिल्कुल जी आपने इस तरह लगाना है इसको। सिंपली आपने इसको जो है इसके स्क्रू लूज़ करना है, लूज़ करने के साथ आपने इसको इसमें इंस्टॉल करना है सिंपली, इसका जो सिंपल तरीकाकार है, और इसको सिंपली आपने इसको इससे एडजस्ट कर देना है। ठीक, ये जी इसमें इंस्टॉल हो गया। ठीक है, सिंपली आपने दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करना है। ये जी इसमें ये लग गया रबड़, ये देखें जी मुकम्मल इसकी शेप बन गई। ठीक है, अब इसमें लेवल जो है वो आपने लगाना है इसके, फ़र्ज़ करेंगे आप ये लेफ्ट हैंड में अगर मैं पकड़ा हूँ, पकड़ी हुई है, तो इसमें आपने इसको लेज़र को लगाना है इसके राइट पे। अगर इसको मैंने राइट पे पकड़ा हुआ है, तो इसको मैंने इसके लेवल को लगाना है इसके लेफ्ट पे। ठीक है, अभी मैं इसको लेफ्ट हैंड से चला रहा हूँ, तो मैं इसको इसका जो लेवल लगाऊंगा वो मैंने इसके इस जानब लगाना है। ठीक है, लेफ्ट में पकड़ा तो मैंने इसको इसके इस जानब लगाना है। ओके, ये देखें जी, सिंपली आपने इसको इधर, ये देखें ना आप, ये जो जगह बनी हुई है ना, ये जगह ये आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली जगह में इसमें आपने इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के साथ आपने इसको इसको बिल्कुल आपने सिंपल इसका जो तरीकाकार है ये सिंपल, ये जो आपका एलकी है, एलकी में ये जो इसके स्क्रू है ब्लैक, ठीक है, इसके साथ आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, सिंपल इसका जो है ना वे है। ओके, अच्छा, तो अभी ये लेवल फिट हो गया, अभी हमने लगाना लेज़र, तो लेज़र के लिए ये है इसकी साइड। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल सेम दूसरी जो लगाया हमने लेवल, उसी तरह आपने इसको फिट करना है। ठीक है, पहले इसको आपने लगाना, इधर लगाने के साथ आपने सेम आपने ये जो आपका स्क्रू है इसको आपने टाइट करना है। ठीक है, अभी लेज़र के लिए ये जो है दो साइड्स हैं। ठीक है, एक ये लेज़र है, एक ये है, आपने इसको ऐसे सामने रखना है इसके, समझ रहे हैं आप, ये देखें ज़रा, इसको आपने बिल्कुल इसके सामने रखना है, रख के आपने ये जो है ना आप लेज़र लेज़र को आपने बिल्कुल इस तरह जो है ना इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है। ठीक है, पकड़ के ऐसे और क्लॉकवाइज इस तरह राइट तरफ घुमा देना है, फिर ये फिट हो जाएगा इधर। ठीक है, और ये इसे लेज़र ऑन हो गए, ऑफ हो गए, ऑन हो गए। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीनशॉट जो है ना मेटल की, सिल्वर मेटल की, ये अभी कम्प्लीट हो गई है। ये देखिए अभी बिल्कुल ये इसका डिज़ाइन है मुकम्मल। अच्छा, तो अभी मैं इसका आपको बता दूँ इसकी मेजरमेंट, इधर जो है ना ये जहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन रबड़ के लिए, वो इसकी है साइज़ 20 mm है ये इधर से। ठीक है, तो ये 20 19 या 20 mm है। ठीक है,
हाँ ये 20 mm मुकम्मल बिल्कुल दोनों तरफ से, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। और जो इसकी इधर से जो इसका फोर्क लेंथ है ना इसकी ऊपर से जिसकी विड्थ है, सॉरी फोर्क विड्थ जो है ना इसकी, ये आप देखें ये 84 mm है, ठीक है 84 mm ये है। और इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो है 120 mm, ठीक है, तो ये 120 mm इसकी लेंथ है, ठीक है। तो जिसका हाथ 6 inches का है उसके लिए बेहतरीन है उसके साइज़, ठीक है, उसके लिए बेहतरीन है ये साइज़ वाला, ठीक है। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।